नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ये खबर लगातार हम बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच के रिश्ते तल्ख हैं और लगातार तल्खी बढ़ती जा रही है। घटनाक्रम इस बात की गवाही देते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो बात सही है। हमारे पास जो इनपुट है वो इनपुट सही है। जो हम दिखा रहे हैं, जो आपके बीच परोस रहे हैं, वो सही और सटीक खबरें परोस रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ही राजनीतिक खेमे में कलह है? जवाब है नहीं। बिहार का जो दूसरा राजनीतिक खेमा है, महागठबंधन, उस दूसरे राजनीतिक खेमे में भी महाघमासान है, महाकलह है। बिहार में आरजेडी की सरकार बनते बनते रह गई है, महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए हैं महज चंद सीटों की वजह से, और कांग्रेस का जो बेहद ख़राब स्ट्राइक रेट रहा है उसकी वजह से आरजेडी ये पचा नहीं पा रही है। आरजेडी इस दर्द को भुला नहीं पा रही है और बार बार कांग्रेस के सर पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है, कभी सदे शब्दों में तो कभी आक्रामक अंदाज में। आरजेडी के जो बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, वो लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। एक बार फिर उन्होंने हमला किया है। बकायदा उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को पुत्र मोह त्यागने की नसीहत दे दी है और ये कहा है कि कांग्रेस बिना पतवार के नाव की तरह हो गई है। तो जाहिर है इतना बड़ा बयान है और इस बयान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला है और उसका क्या असर होगा महागठबंधन पर, उसका क्या असर होगा आरजेडी और कांग्रेस के बीच के रिश्तों पर। तो जाहिर है दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ गई है। आरजेडी ये पचाने के मूड में नहीं है कि जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की वजह से, तो कांग्रेस पर लगातार हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। हालांकि सिर्फ आरजेडी नहीं, कांग्रेस की मुश्किल यह है कि उसके अपने नेता भी लगातार उसको नसीहत दे रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं तारिक अनवर, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो नेता हैं उनको पद की लालसा नहीं रखनी चाहिए, पद का मोह नहीं रखना चाहिए और आत्म अवलोकन करना चाहिए, चिंतन मंथन होना चाहिए इस हार पर। तो अपने ही नेताओं को लगातार तारिक अनवर नसीहत दे रहे हैं और अब आरजेडी के जो बड़े नेता हैं शिवानंद तिवारी, वो लगातार हमलावर हैं। वो इससे पहले भी शिवानंद तिवारी ने हमला किया है और कांग्रेस को कई नसीहतें दी हैं, पलटवार कांग्रेस की तरफ से भी सामने आएगा। तो कांग्रेस के अंदर खाने यानी महागठबंधन के अंदर खाने अब भूचाल तय है, बवाल तय है, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने एक बार फिर बड़ा बम फोड़ दिया है और ये कह दिया है कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को पुत्र मोह छोड़ने की नसीहत दे दी है। यानी सबसे करारा हमला राहुल गांधी पर किया है शिवानंद तिवारी ने और जाहिर है इस हमले का असर बिहार की राजनीति पर होगा, इस हमले का असर महागठबंधन के अंदर खाने होगा। क्या असर होगा वो भी हम आपको बताएंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि शिवानंद तिवारी ने आज सुबह फिर बड़ा बम फोड़ दिया है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच के रिश्ते लगातार तल्ख हो रहे हैं। शिवानंद तिवारी का हमला इस बात का संकेत दे रहा है। तो इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।